केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को हमीरपुर जिला की सराहकड़ पंचायत में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस मौके पर उनके साथ जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी, उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी, भाजपा मंडल सुजानपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो तरफा बात देश के लोगों से करते हैं। इस कार्यक्रम में लोगों को अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की बात कही है, जबकि विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों तक जिस तरह से वार्तालाप करते हैं, दो तरफी बातचीत होती है और समाज से जुड़े हुए मुद्दों को निरंतर पिछले 7 वर्षों से उठाते आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव देश की जनता में है। और जैसे आप देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने आज वैक्सीनेशन की बात दूरदराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्र में की, और कैसे कुछ विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया कि वैक्सीन कराने से मृत्यु होती है, जबकि दुनिया में भारत पहले 3 ऐसे देशों में जहां पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई थी। 31 करोड़ से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हुई, एक एक दिन में 82 लाख से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग भी जागरूक हों, वैक्सीनेशन करवाएं, जब उनका समय आए टीकाकरण जरूर करवाएं और कोविड प्रोटोकॉल को जरूर अपनाएं। मन की बात में मोदी जी ने वो भी कहा और कुछ उदाहरण दिए कि बरसात से पहले पानी के संरक्षण के आप कैसे छोटे छोटे कदम के माध्यम से भी अपने क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा कर सकते हो। ग्राउंड यानी कि जमीन का जो पानी, जमीन में जो पानी का स्तर है उसको कैसे बढ़ा सकते हो। छोटे छोटे चेक डैम, छोटे छोटे तालाब, बड़े तालाब, इन सब का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये ऐसी बातें हैं, कहने में छोटी लगती हैं लेकिन समाज और देश पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने देश के लोगों के साथ जो किया है देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। अपनी ओछी राजनीति के लिए करोड़ों लोगों की जान के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने खेलने का काम किया है। जो मेडिकल ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच सकती थी, एक ऐसी झूठी मांग खड़ी करके, 4 गुना ज़्यादा मांग खड़ी करके देश के बाकी हिस्सों की ऑक्सीजन का हक मारा, कई लोगों की जान उसके कारण गई। इस पर बहुत गहरी चिंता और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा काम कोई मुख्यमंत्री करता है तो इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई और नहीं हो सकती। अगर दिल्ली को उतनी ज़रूरत नहीं थी तो केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए केजरीवाल इतना नीचे गिर गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।